प्रकार से आगे के हिस्से में स्तर लगाए हैं, उसी प्रकार से पीछे के हिस्से में भी स्तर लगाते हैं। ये हमने स्तर लगा लिए हैं, अब स्तर को कपड़े के बराबर से काटते हैं। जैसे हमने सामने वाले पहले वाले हिस्से में काटा था, अब हम पीछे का गला बनाते हैं। क्योंकि इसमें बकरम नहीं लगता, ये सिर्फ अस्तर वाले कपड़े से बनता है, तो हम ये दोनों पीछे वाले पल्ले को दोनों को बराबर से ऐसे गले को मोड़ के बिछा लेते हैं। अब ये हमने एक अस्तर का टुकड़ा काटा है जो दो पल्ले में है, इसे बराबर रख के गले के साइज से बिल्कुल बराबर बराबर काट लेते हैं। इस प्रकार से काटते हैं राउंड में, और सिलाई लगाने के लिए हल्का हल्का ये कट्स का निशान लगाते हैं ताकि गले में कपड़ा अच्छे से बैठे। अब देखिए इसको कैसे सीते हैं। अब हम अस्तर वाले पट्टी को गले के ऊपर रखते हैं और एक रेजर सिलाई से सीते जाते हैं। इसमें भी कट्स का निशान लगाते हैं ताकि गला हमारा अच्छे से बने। ये हमारा पीछे का गला तैयार हो गया है। आइए अब कंधा को जोड़ते हैं। ये हमारा पीछे वाला पल्ला है और ये हमारा सामने वाला हिस्सा है। ये हमने शोल्डर के दोनों पॉइंट को बराबर रखे हैं एक दूसरे से मिला के। उसी प्रकार से दूसरी वाली
कंधे को भी जोड़ते हैं। पहली बार में हमने गले के पीछे वाले अस्तर वाले हिस्से को खुला ओपन छोड़ दिया था, और दूसरी बार जब सिलाई लगाते हैं तो उस हिस्से को ऐसे अंदर की तरफ से मोड़ के सिलाई लगाते हैं ताकि वो कवर हो जाए। ये हमारा कंधा जुड़ गया। पीछे वाले गले को हम हाथ से इसको कच्चा कर लेते हैं। आइए अब अस्तिल लगाते हैं। अस्तिल लगाने के लिए हमको ये मोंढा और अस्तिल को ऐसे नापना पड़ता है। चूंकि ये हमारा बराबर है तो अस्तिल सही तरीके से लग जाएगा। यदि ये छोटा होता तो हमें ये मोंढा को छाटना पड़ता। तो ये हमारा बराबर है, चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। ये हमने अस्तिन और मोंढा को एक के ऊपर एक बराबर रखे हैं और एक बराबर से सिलाई लगाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे सिलाई के द्वारा अस्तिन को लगाया जाता है। यहाँ ये सेंटर का निशान रहता है अस्तिन का, और ये जोड़ ये दोनों को मिलना चाहिए। ये हमने अस्तिन लगा लिए। इसी तरीके से दूसरी अस्तिन भी लगाते हैं। आइए अब हम साइड को जोड़ते हैं। ये दोनों पल्ले को बराबर रख के प्रकार से दूसरी साइड की सिलाई लगाते हैं। ये हमने कुर्ती में साइड की सिलाई लगा लिए हैं दोनों तरफ, और यहां तक सिलाई लगाए हैं। इसके नीचे हमको चाक बनाना है। देखिए चाक कैसे बनाते हैं। ये एक पल्लक उठाते हैं और आधा इंच में मोड़ के ऐसे दो फोल्ड मोड़ के चाक बनाते हैं सिलाई लगाते हुए।
चाहे तो किनारे किनारे एक सिलाई और लगा दे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ का चाक को बनाते हैं। साइड चाक बनाने के बाद अब नीचे लंबाई को मोड़ते हैं। जितना चौड़ा हमने साइड की चाक को बनाया है उतने ही चौड़ा नीचे की लंबाई में बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये कुर्ती तैयार हो गया। अब गले में हम तुरपाई करके ये कच्ची सिलाई को खोल देंगे। ओके, धन्यवाद।